आजकल ये कंट्रोलर बहुत ही वायरल हो रहा है जो आपके फोन को गेमिंग कंसोल बना देता है। तो हमने भी अमेज़न से ये इवो फोक्स का कंट्रोलर बाय कर लिया जो हमें 2800 रुपीस का पड़ा। और आज हम देखेंगे कि ये लेने लायक है या नहीं। सबसे पहले बॉक्स ओपन करते ही गेम पैड मिल जाएगा और हमने व्हाइट कलर लिया, इसमें एक ब्लैक कलर भी है जो मुझे कुछ खास नहीं लगा। फिर है यूजर मैनुअल जो हमारे किसी काम के नहीं है और 2-3 स्टिकर्स मिलेंगे जिन्हें आप यहाँ पर लगा सकते हो। वैसे ही लग रहा है। फिर है टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल एंड एक कैरिंग केस और इसकी क्वालिटी सच में बहुत सही है। गुड जॉब इवो फोक्स। अब आते हैं कंट्रोलर पर। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल भी चीप प्लास्टिक फील नहीं होता। एंड ये एक्सबॉक्स लेआउट है, एक्स वाई ए भी बटन है, एक नीचे जॉयस्टिक है एंड एक ऊपर की साइड जॉयस्टिक है। पर ध्यान से देखोगे तो प्लेस्टेशन के बटन की प्रिंटिंग की हुई है, ट्रायंगल डब्बा एक्सओ। नीचे दो बटन है की मैपिंग एंड पावर के लिए एंड मिडिल वाला पोर्शन एक रबर टेक्सचर है जिससे फोन स्लिप नहीं होगा एंड स्क्रेचेस भी नहीं लगेंगे। नीचे सपोर्ट भी दिया हुआ है जिससे फोन खिसक के नीचे नहीं गिरता। इस कंट्रोलर के ग्रिप एंड एर्गोनॉमिक्स काफी अच्छे हैं, बट एक प्रॉब्लम है, इसमें टैप ट्रिगर दिए हुए हैं। इस प्राइस में ये प्रेशर सेंसिटिव होने चाहिए थे जो रेसिंग गेम्स का एक्सपीरियंस एनहांस कर देते हैं। इसमें आरजीबी लाइट्स का मस्त यूज किया हुआ है, दोनों जॉयस्टिक में आरजीबी लाइट है जिन्हें आप ये दो बटन प्रेस करके चेंज कर सकते हो। एंड एक्शन बटन के अंदर भी लाइट्स दी हुई है जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है तो कैजुअल गेमिंग में आपको ऐसा कोई लैग फील नहीं होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। आप एंड्रॉइड, आईफोन, विंडोज, मैकबुक सबके साथ यूज कर सकते हो और जिस डिवाइस के साथ आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो उसका अपना लेआउट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डोजो प्लस ए बटन प्रेस करोगे तो ये एंड्रॉइड के लिए कंपेटेबल हो जाएगा एंड डोजो प्लस एक्स प्रेस करोगे तो ये विंडो के लिए एक्सबॉक्स कंट्रोलर की तरह काम करेगा। एंड सिर्फ डोजो बटन को प्रेस एंड होल्ड करोगे तो ये आईफोन एंड मैक के लिए कंपेटेबल हो जाएगा एज ए प्लेस्टेशन कंट्रोलर। और इसके अंदर इवो फोक्स की एप्लीकेशन मिलती है जो एंड्रॉइड आईफोन दोनों पर अवेलेबल है एंड यहाँ पर वो सारे गेम शो होते हैं जो कंट्रोलर सपोर्ट करते हैं। एंड गेम सिलेक्ट करके डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर ओपन हो जाता है, लेकिन इस ऐप का सिर्फ एक ही फायदा है जिससे आपको इजीली पता लग जाता है कि कौन सी गेम कंट्रोलर सपोर्ट करती है। अब हमने बहुत सारे गेम्स डाउनलोड कर लिए और एमुलेटर भी डाल दिया, सबके ऊपर गेम खेलेंगे और टेस्ट करेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। सबसे पहले हमने रेट्रो गेम्स खेली जैसे सुपर मारियो, कॉन्ट्रा और क्या ही स्वाद आया, मतलब एकदम बचपन ही याद आ गया और इनकी साउंड सुनकर एक अलग सी फीलिंग ही आ जाती है। फिर हमने गॉड ऑफ वार स्मैकडाउन चलाकर देखी, उसमें तो भाई अलग ही लेवल का मजा आ रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई मैं हैंड होल्ड कंसोल पर गेम खेल रहा हूं। फिर हमने एसफोल्ड 9 चलाई और इसका भी एक्सपीरियंस एक नंबर था, लेकिन अगेन प्रेशर सेंसिटिव होता है तो गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर हो जाता। फिर हमने आईफोन में डेविल मे क्राई चलाई जो कि एक AAA टाइटल है और भाई इसमें तो एक नंबर मजा ही आ गया। लेकिन एक चीज नोटिस की, एंड्रॉइड में जो वाइब्रेशंस है वो वर्क नहीं कर रहे थे लेकिन आईफोन में जो नेटिव गेम सपोर्ट करते हैं कंट्रोलर उनके अंदर वाइब्रेशंस काम कर रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वाइब्रेशंस कुछ खास नहीं है। फिर हमने सीओडी भी खेली जो कंट्रोलर सपोर्ट करती है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एम करने में लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एम सही से होता गया और गेम का मजा आने लग गया था। और जो गेम कंट्रोलर सपोर्ट नहीं करती उन्हें आप की मैप करके भी खेल सकते हो, लेकिन की मैपिंग भी सिर्फ एंड्रॉइड में वर्क करती है, बट इसे सेट करना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि पहले ये शूटिंग ऐप इंस्टॉल करो, फिर कंट्रोलर को दोबारा कनेक्ट करो, फिर एक एक करके की मैप करो, फिर भी कई बार ये सही से वर्क नहीं करता। मेरे अकॉर्डिंग प्रोसेस ना बहुत सिंपल होना चाहिए था, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया इन्होंने। बैटरी बैकअप बहुत ही सही है, कंटिन्यूस गेमिंग सेशन में 6-7 आवर्स का इजीली बैकअप मिल जाता है एंड 2 आवर्स में ये फुल चार्ज भी हो जाता है। बट फोन कैसे चार्ज होगा, क्योंकि फोन लगाने के बाद जो चार्जिंग स्लॉट है वो अंदर छिप जाता है जो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो 2800 रुपए के हिसाब से मुझे ये बहुत ही सही लगा, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत मस्त है। अगर आप एक ऐसा कंट्रोलर देख रहे हो जो आपके मोबाइल गेमिंग को एनहांस कर दे तो ये आप कंट्रोलर डेफिनेटली ले सकते हो। दैट्स इट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।